हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब? बेटा होप आप सब सेफ हो बेटा घर पे। प्लीज़ स्टे एट होम और अपनी स्टडीज़ पे साथ साथ ध्यान देते जाइए बेटा। 15 मई के बाद आपके कभी भी एग्ज़ाम्स हैं जो स्टार्ट हो सकते हैं। तो आज हमारा जो बिज़नेस इन्वायरमेंट है बेटा, उसका हम चैप्टर करने जा रहे हैं, ट्रेंड्स इन इंडियाज़ फॉरेन ट्रेड। तो फॉरेन ट्रेड जो इंडिया का रहा है, उसमें क्या क्या ट्रेंड्स हैं जो आए हैं और वो क्या पॉजिटिवली और नेगेटिवली इफ़ेक्ट किया है इंडियन इकोनॉमी को, उसके बारे में ये चैप्टर है। तो इसमें मोस्ट ऑफ द डेटा है बेटा, तो आपने एक शुरुआत के साल का और एंड के ईयर का जो डेटा है उसको ध्यान में रखते हुए कंपैरिजन है जो देना है कि क्या चेंजेस हैं जो इसमें आई हैं। तो फर्स्ट है इंडिया शेयर इन द वर्ल्ड ट्रेड की अगर बात करें, तो सिंस वेरी बिगनिंग से इंडिया का जो शेयर है वर्ल्ड ट्रेड में बहुत बहुत कम रहा है एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्रीज़। तो अगर 1995 की हम बात करें तो चाइना का शेयर जो रहा है वो है 2.88 ओवरऑल जो इंटरनेशनल ट्रेड है उसमें, इंडिया का 0.59 एंड यूके का 4.61 एंड यूएसए का 11.32। तो मैक्सिमम शेयर जो रहा है यूएसए का, क्योंकि मोस्ट डेवलप्ड कंट्री ऑफ द वर्ल्ड है। तो अगर हम देखते जाएं तो उस धीरे धीरे जो इंडिया का शेयर है वो इंक्रीज़ होता जा रहा है। जो चाइना का शेयर है वो 2010 तक आते आते 10.36 हो गया है और इंडिया का शेयर 0.59 से बढ़ के 1.44 हो गया है और यूके का 4.61 से कम होके 2.66 हो गया है और यूएसए का 11.32 से कम होकर 8.39 तक आ गया है। तो पहले से कम हुआ है यूके और यूएसए का शेयर है जो ओवरऑल वर्ल्ड ट्रेड में, और इंडिया और चाइना का दोनों का इंक्रीज़ हुआ है पहले से। तो इससे हम कह सकते हैं कि इंडिया के इंटरनेशनल ट्रेड में पहले से जो है वो ग्रोथ हुई है। उसके बाद है इंडियाज़ बैलेंस ऑफ ट्रेड। जो इंडिया का बैलेंस ऑफ ट्रेड है रुपीज़ की फॉर्म में जब हम उसकी बात करते हैं तो वो नेगेटिव रहा है शुरुआत से ही। तो अगर आप 1972-73 की बात करो तो उस टाइम पे 1.104 करोड़ था उस टाइम पे इंडिया का जो था, 3.7 तो जो हमारा था जीडीपी की परसेंटेज थी एक्सपोर्ट की, और 4% जो हमारा था वो इम्पोर्ट था जीडीपी का टोटल। तो उसके बाद 1980-81 में -5838.4 करोड़ हमारा जो है वो डेफिसिट चला गया है। तो बैलेंस ऑफ ट्रेड है वो नेगेटिव में हमारा चला गया। तो उसके बाद ये नेगेटिव है जो बढ़ता ही जाता रहा, और जो हमारा ट्रेड है उसका 2011-12 का जो इसमें डाटा दिया है उसमें ये -879504 करोड़ हो गया। उसके बाद 2014-15 का लेटेस्ट इसमें जो बुक में दे रखा है इन्फॉर्मेशन उसके अकॉर्डिंग -669111 जो है हमारा ट्रेड है जो वो नेगेटिव रुपीज़ में चल रहा है। तो लेकिन अगर हम बात करें 12-13 की तो उसके कंपैरेटिवली 13-14 में हमारा जो है डेफिसिट कम हुआ है पहले से, क्योंकि नेगेटिव है जो कम हो गया है 2014-15 में उससे भी कम हो गया। तो लेकिन शुरुआत से लेके अब तक हम नेगेटिव में ही है जो चलते आ रहे हैं। तो वन एस्पेक्ट एक अच्छा है जो इंडिया के फॉरेन ट्रेड का, वो ये इनकरेजिंग है कि सर्विस सेक्टर है जो वो बहुत अच्छी ग्रोथ कर रहा है। तो उसका डेटा अगर हम देखें 2000-2001 में एक्सपोर्ट थे 16.3, इम्पोर्ट 14.6 एंड बैलेंस हमारा चल रहा था 1.7। तो अगर हम 2014-15 का जो लेटेस्ट इस बुक में डेटा दिया है उसके अकॉर्डिंग एक्सपोर्ट्स हैं जो 155.4 हुए हैं, इंपोर्ट 79.8 हुए हैं और बैलेंस जो हमारा है वो 75.6 यूएस डॉलर बिलियन में हमारा जो है डॉलर रहा है, बिलियंस में यूएस वाला जो डॉलर है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो सर्विस सेक्टर है उसने बहुत अच्छी ग्रोथ की है जो हमारा इंडिया है उसमें। नेक्स्ट है इंडियाज़ बैलेंस ऑफ पेमेंट, वो हमने बात की थी इंडियाज़ बैलेंस ऑफ ट्रेड की इन रुपीज़ फॉर्म में। अब बात करें इंडियाज़ बैलेंस ऑफ पेमेंट में, ऑल द डेवलपिंग एंड लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ ऑफ द वर्ल्ड है वो सफ़र कर रही हैं प्रॉब्लम ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो इंडिया भी उसमें एक्सेप्शन नहीं है, इंडिया में भी हमेशा बैलेंस ऑफ पेमेंट की है जो रही है प्रॉब्लम। तो इसमें अगर आप देखें 1950-51 में जो इंडिया है उसमें एक्सपोर्ट्स हुए थे 730 के और इम्पोर्ट्स हुए थे 964 के। तो यहाँ से ट्रेड है जो हमारा नेगेटिव में चलना शुरू हुआ है और जो हमारा अभी बैलेंस है वो धीरे धीरे बैलेंस ऑफ पेमेंट है जो वो बढ़ता ही गया है। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट की प्रॉब्लम है जो हमेशा से ही रही है। तो इंडिया में भी जो डे बाय डे पहले से इंक्रीज़ है जो होता रहा है।
तो इन एडिशन अगर बात करें जो हमारा बैलेंस है हमेशा जो 1950-51 में -165 करोड़ था, जो 2010-11 तक आते आते हमारा -202532 करोड़ तक हो गया है, जो कि 2014-15 में डिक्रीज़ हो गया है तो ये इसमें इंक्रीज़ और डिक्रीज़ होती आई है। तो ओवरऑल अगर हमारा कहें तो करंट अकाउंट में भी जो हमारा है नेगेटिव में अमाउंट है जो वो बढ़ती गई, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट है जो हमारा वो हमेशा ही फिर से नेगेटिव है जो रहा है। इसके बाद हमारे पास है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स। तो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स की अगर बात करें पोजीशन इंडिया की जो है वो कंफर्टेबल है, बहुत अच्छी नहीं है लेकिन कंफर्टेबल है। तो इसमें टेबल में डिफाइन किया है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो एंड ऑफ 31 मार्च को देखे जाते हैं, 2001 की बात करें तो 42281 मिलियन जो है $ में अगर मापे तो उतना था, और 2013-14 में 304224 मिलियन डॉलर जो है वो हमारा रिजर्व्स हो गए हैं फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, जो कि एक बहुत अच्छा कंफर्टेबल जोन है जिसमें हम कर रहे हैं। तो ये थे बेटा कि क्या क्या हमारा जो हमारी बैलेंस ऑफ ट्रेड है, बैलेंस ऑफ पेमेंट है और फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है, उसकी क्या ट्रेंड रही हैं पहले से, उसमें क्या इंक्रीज़ या डिक्रीज़ आया है। इसके बाद हमारे पास हैं पॉजिटिव एंड नेगेटिव इफ़ेक्ट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। तो इंटरनेशनल ट्रेड एंड इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे रिलेटेड हैं दोनों, उसमें क्या है। फर्स्ट है कम्पिटिटिव प्राइजेज, तो जो इकोनॉमिक ग्रोथ है कंट्री की उसमें हमेशा ही इंटरनेशनल ट्रेड है जो भी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो इकोनॉमिक पैरामीटर्स पे जब भी हम इंटरनेशनल ट्रेड को देखेंगे तो किसी कंट्री की ग्रोथ में वो पार्टिसिपेट जरूर करेगा। तो कम्पिटिटिव प्राइजेस की अगर हम बात करें तो इंटरनेशनल ट्रेड इंश्योर्स द अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू ऑल एट कम्पिटिटिव प्राइजेस। तो इंटरनेशनल ट्रेड जो हमारा है वो गुड्स एंड सर्विसेज की जो अवेलेबिलिटी है वो कम्पिटिटिव प्राइजेस पे बंदे को मिल जाती है, क्योंकि अगर किसी कंट्री में प्रोडक्ट है जो वो महंगे रेट पे पड़ रहा है तो वो जिस कंट्री से प्रोडक्ट सस्ते रेट पे पड़ रहा है वहाँ से चीपर रेट पे वो उसको इम्पोर्ट करेगा, तो एज़ कम्पेयर टू उसके प्रोड्यूस करने। तो इस तरीके से जो डोमेस्टिक मार्केट है उसमें प्राइजेज हैं जो वो कम हो जाएंगे, तो कम्पिटिटिव प्राइजेज पे जो गुड्स हैं वो मिलती हैं। सेकंड है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ वर्ल्ड्स नेचुरल रिसोर्सेज। तो कहता है कि नेचुरल रिसोर्सेज जो कंट्री के हैं हमेशा हमें पता है कि लिमिटेड होते हैं, तो डेवलपिंग एंड लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड हैव एब्सोल्यूट टेक्नोलॉजीज। जो लेस डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनके पास हमेशा टेक्नोलॉजी है जो पुरानी होती है, एब्सोल्यूट हो चुकी होती है, जो कि वेस्टेज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज जो कंट्री के हैं उनको कर रही होती है। और अगर वो इंटरनेशनल ट्रेड करते हैं तो वो जो रिसोर्सेज उनके पास अवेलेबल है नेचुरल रिसोर्सेज वो उनको रॉ मटेरियल की फॉर्म में दूसरी कंट्रीज को एक्सपोर्ट कर दें और उनसे बना बनाया माल है जो इंपोर्ट कर लें, या दूसरी कंट्रीज से टेक्नोलॉजी इंपोर्ट करके उसको यूज़ करें, तो नेचुरल रिसोर्सेज हैं जो उनको प्रॉपर यूटिलाइज किया जा सकता है। नेक्स्ट है नो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। तो इंटरनेशनल ट्रेड है जो मार्केट की इम्परफेक्शंस है लाइक प्राइस डिस्क्रिमिनेशन है कि अलग अलग प्राइस चार्ज किया जाता है उससे फ्री है, क्योंकि हमेशा प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कब होती है जब लार्ज नंबर्स ऑफ बायर होते हैं और फ्यू सेलर्स होते हैं, तो बेचने वाले बहुत कम हैं और ख़रीदने वाले बहुत ज़्यादा हैं, तो अलग अलग प्राइस है जो चार्ज किया जाता है। लेकिन इंटरनेशनल लेवल की जब हम इंटरनेशनल ट्रेड की बात करेंगे तो सप्लायर्स हैं वो फ्यू सप्लायर्स नहीं हैं, लार्ज नंबर ऑफ सप्लायर्स अवेलेबल हैं, तो अपने आप ही प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का जो इम्परफेक्शन है वो ख़त्म हो जाती है। नेक्स्ट है सोल्यूशन ऑफ इकोनॉमिक क्राइसिस। नाउ डेज फॉरेन ट्रेड है जो कंसीडर कर रहा है कि जितनी भी सोशल इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं डेवलपिंग कंट्रीज़ की, लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ की इकोनॉमिक क्राइसिस जो उनको आ रही हैं, तो उनको सारों को हल करने में जो हमारा फॉरेन ट्रेड है वो हेल्प करता है। इंटरनेशनल ट्रेड है वो जो नई मार्केट्स ऑप्शंस उनके पास हैं, नेशनल जो हमारे पास सरप्लस बच रहा है उसको अच्छे प्राइसेस के ऊपर आप उसको एक्सपोर्ट है जो कर सकते हो। तो जिस तरीके से आपके इकोनॉमिक क्राइसिस हैं जो उसको दूर किया जा सकता है, अपने सरप्लस को आप प्रीमियम रेट्स पे बेच सकते हो इंटरनेशनल ट्रेड के जरिए। नेक्स्ट है चेक ऑन मोनोपोलीज एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। तो इंटरनेशनल ट्रेड जब भी होगा तो जो मोनोपोलीज बन रही हैं, अनट्रेड ट्रेड प्रैक्टिसेस हो रही हैं, उस पर कंट्रोल किया जा सकेगा, क्योंकि फॉरेन कंपटीशन है जो वो डोमेस्टिक जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनको फेस करना पड़ेगा, तो वो मोनोपोली है जो उनकी नहीं रहेगी। नेक्स्ट है इजी अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल। तो रॉ मटेरियल इजीली अवेलेबल हो सकता है, मान लो कि एक कंट्री जो है
उसमें वो मटेरियल है जो रॉ मटेरियल है जो प्रोडक्शन नहीं होती है, अवेलेबल नहीं है, तो दूसरी कंट्रीज़ उससे उनको इंपोर्ट किया जा सकता है। लाइक इसने एग्जांपल दिया रशिया और ऑस्ट्रेलिया जो है उसकी बहुत वूल जो है बहुत अच्छी कैपेसिटी क्वालिटी की ऊन होती है उसकी, तो उसको वो रॉ मटेरियल को दूसरी कंट्रीज़ को सप्लाई कर सकते हैं इंटरनेशनल ट्रेड के जरिए और वो भी उस रॉ मटेरियल को यूज़ कर सकते हैं, तो ईजी अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल होती है। नेक्स्ट है इम्प्रूवमेंट इन टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन, तो प्रोडक्शन की जो टेक्निक्स है उनमें इम्प्रूवमेंट की जा सकती है क्योंकि टेक्नोलॉजी एक कंट्री से दूसरी कंट्री में इम्पोर्ट की जा सकती है, तो वो जो डेवलप कंट्रीज टेक्नोलॉजीज़ यूज़ कर रही हैं उन टेक्नोलॉजीज़ को लीस्ट डेवलप्ड और अंडर डेवलप्ड जो कंट्रीज़ हैं या डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं वो उसको इम्पोर्ट करके उस टेक्नोलॉजी को यूज़ करके प्रोडक्शन है जो कर सकते हैं, जिससे उनकी ओवरऑल कॉस्ट है जो वो कम होगी। नेक्स्ट है प्रमोशन ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट फैसिलिटीज़, इंटरनेशनल ट्रेड जो है वो एक तरह का थ्रेट देता है डोमेस्टिक इंडस्ट्री को, तो जब उसको कंपटीशन मिलता है इंटरनेशनल ट्रेड से तो जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ हैं वो भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे ज़्यादा जोर देती हैं और नई फैसिलिटीज़ हैं जो वो प्रोवाइड करती हैं, तो रिसर्च एंड डिवेलपमेंट है जो वो उसको इनिशिएटिव मिलता है। नेक्स्ट है इंटरनेशनल फ्लो ऑफ कैपिटल, तो सम ऑफ़ द कंट्रीज़ ऑफ वर्ल्ड है जो कैपिटल जिनकी डेफिशिएट चल रही है और बहुत सारी कंट्रीज़ ऐसी हैं जिनकी जो कैपिटल है वो उनके पास सरप्लस है, तो जो भी कैपिटल जिस कंट्री की डेफिशिएट है मतलब जो डेवलपिंग या अंडर डेवलप कंट्रीज़ की, उनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कैपिटल रिसोर्सेज की अपने सोशल इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने के लिए, और जो कैपिटल सरप्लस वाली कंट्रीज़ हैं वो हमेशा रिसोर्स ढूंढती रहती हैं कि कहाँ वो अपनी जो सरप्लस है उसको डिप्लॉय कर सके ताकि उसको अच्छी रिटर्न्स है मिल सके, तो इंटरनेशनल ट्रेड एक दोनों के बीच में एक तरह का कॉपरेशन है और जिससे दोनों कंट्रीज़ की नीड है जो फुलफ़िल हो रही हैं, डेफिशिट कंट्री की और सरप्लस कंट्री की। नेक्स्ट है इंटरनेशनल कॉपरेशन, तो इंटरनेशनल ट्रेड है जो वो हेल्दी एंड स्मूथ रिलेशन बनाता है वर्ल्ड की कंट्रीज़ में आपस में। नेक्स्ट है इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल, तो इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल की फीचर है जो वो ज़रूर देखने को मिलेगी, जब भी प्रोडक्शन की जाती है अगर आप सिर्फ डोमेस्टिक लेवल के लिए प्रोडक्शन कर रहे हो तो उतने आप लार्ज लेवल पे प्रोडक्शन नहीं कर रहे तो जिससे आपको इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल नहीं होती, लेकिन आप अगर इंटरनेशनल ट्रेड के पॉइंट ऑफ व्यू कर रहे हो आपने माल एक्सपोर्ट करना है तो आप ज़्यादा क्वान्टिटी में माल बनाओगे तो इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल हैं जो लार्ज स्केल प्रोडक्शन की वो आप अवेल कर सकते हो। नेक्स्ट है अर्निंग ऑफ फॉरन एक्सचेंज, तो फॉरेन एक्सचेंज आप अर्न करोगे क्योंकि अगर इंटरनेशनल ट्रेड आप करोगे तभी आपकी क्रेडिट वर्दीनेस है जो अच्छी होगी, क्योंकि किसी कंट्री के पास कितना फॉरेन ट्रेड आ रहा है, कितना उसके पास फॉरेन ट्रेड का रिज़र्व है, उस पे भी फॉरेन रिजर्व्स पे भी किसी कंट्री की क्रेडिट वर्दीनेस को मापा जाता है, तो आप क्रेडिट जो आपकी फॉरेन एक्सचेंज कमाने का मौका आपको अर्न करने का कंट्री को मिलेगा। नेक्स्ट है यूटिलाइजेशन ऑफ सरप्लस कैपेसिटीज़, तो हमें पता है कि जो यूनिट्स हैं मल्टीनेशनल कंपनीज़ के वो बड़े लेवल के होते हैं लेकिन उसकी जो रिक्वायरमेंट है उतनी ज़्यादा नहीं है तो वो कम कैपेसिटी पे उसको यूज़ करते हैं, लेकिन अगर हम इंटरनेशनल ट्रेड करते हैं तो उन गुड्स को एक्सपोर्ट किया जा सकता है, तो मैक्सिमम जो हमारी कैपेसिटी है उसको यूटिलाइज करके प्रोडक्शन है जो की जाती है, जिससे फिर से फर्दर जो हमारी सेविंग्स हैं जो होती हैं और कॉस्ट है जो कम पड़ती है। तो ये थे कुछ पॉजिटिव आस्पेक्ट जो इकोनॉमिक ग्रोथ में हेल्प करते हैं, इंटरनेशनल ट्रेड के कुछ पॉजिटिव एस्पेक्ट जिससे इकोनॉमिक ग्रोथ होती है। साइड बाय साइड जब भी किसी चीज़ के कुछ पॉजिटिव होते हैं नेगेटिव भी होते हैं, तो नेगेटिव इम्प्लीकेशन क्या है इंटरनेशनल ट्रेड की हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ के ऊपर, क्या नेगेटिव इफेक्ट है जो डालते हैं। फर्स्ट है डेंजर ऑफ डंपिंग, डंपिंग होता है अपनी कंट्री का कुछ ऐसा माल जो यूज़ में नहीं है उसको दूसरी कंट्रीज़ में खपा देना, उसको डंपिंग बोलते हैं। तो ये बहुत ट्रेंड हो गया है कि डंपिंग है नाउ डेज यूज़ की जाती है स्ट्रेटजी, मैनी ऑफ द इंटरनेशनल बिजनेस हाउसेस जो हैं कि प्रमोट कर रही हैं अपने आप को, सेम टाइम डिटेरियोरेट कर रही हैं डोमेस्टिक कंट्री जो हैं उनकी होस्ट कंट्रीज़ जो हैं उसको, तो डोमेस्टिक कंट्रीज़ जो हैं उनमें जो होस्ट हमारी फॉरेन कंट्रीज़ हैं वो अपना माल है जो वो डंप करती जा रही हैं। फॉर एग्जांपल हमारे कहा जाता है कि रिफाइंड है जो वो या डालडा की है जो वो दूसरी कंट्रीज़ का डंप है जो उसको यूज़ करके बनाया जाता है, तो इस तरीके से जो अपनी वेस्ट है जो वो उसको दूसरी कंट्रीज़ में डंप कर देती हैं, तो डंपिंग का जो सिस्टम है वो हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ के ऊपर गलत असर डालता है। सेकेंड है एक्सप्लॉयटेशन ऑफ डिवेलपिंग कंट्रीज़, तो फॉरेन ट्रेड है वो हमेशा है कि
जितनी भी एक्सप्लॉयटेशन होती है कंट्रीज़ की, जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ चल रही हैं, वो की जाती है डेवलप्ड कंट्रीज़ के द्वारा। तो एक जरिया है इंटरनेशनल ट्रेड, जिसके जरिए जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ का शोषण करती हैं। इसकी एक एग्जांपल इंडिया के ऊपर है, दैट इज़ हमारे 200 सालों तक हमारे ब्रिटिशर्स जो हैं उन्होंने हमारे ऊपर रूल है जो किया है। नेक्स्ट है डिपेंडेंसी। फॉरेन ट्रेड है जो वो डिपेंडेंसी क्रिएट करता है एक कंट्री की दूसरी के ऊपर। जैसे कि ये कहता है कि एक कंट्री जो माल सिर्फ उसके पास रिसोर्सेज है वो माल बनाए, दूसरा वो सारा दूसरों से इंपोर्ट करे माल को, तो वो उस चीज़ों के लिए दूसरी कंट्रीज़ के ऊपर होली सोली क्या हो जाएगी, डिपेंड। तो एक कंट्री को दूसरी के ऊपर डिपेंडेंस है जो बनाता है। नेक्स्ट है फेवरेबल टू इंडस्ट्रियली डिवेल्प्ड कंट्रीज़ ओनली। तो जो हमारा इंटरनेशनल ट्रेड है वो जनरली किसकी फेवर में है, उन कंट्रीज़ की जो इंटरनेशनली बहुत डेवलप्ड हैं, इंटरनेशनली इंडस्ट्रियल डेवलप हैं, जहाँ पे इंडस्ट्री जो है बहुत अच्छी है, बहुत बड़े लेवल पे इंडस्ट्री है, जो जिन कंट्रीज़ में डेवलप कंट्रीज़ में उनके फेवर में है, क्योंकि उनकी रिसर्च एंड डेवलपमेंट बहुत अच्छी है, उनकी मार्केटिंग स्ट्रेटजीज बहुत अच्छी हैं, उनको इकोनॉमीज ऑफ स्केल मिलती हैं। लेकिन जो हमारी अंडर डेवलप कंट्रीज़ हैं वो पहले से ही पुअर क्वालिटी, लैक ऑफ डोमेस्टिक R&D, ठीक है, लेस प्रोडक्शन, हाई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, लो प्रोडक्टिविटी, इनसे जो हैं जूझ रही हैं। तो सिर्फ वो कंट्रीज़ जो इंडस्ट्रियली बहुत ज़्यादा डिवेल्प्ड हैं उन कंट्री के लिए फेवरफुल है इंटरनेशनल ट्रेड। नेक्स्ट है सोर्स ऑफ शिफ्टिंग ऑफ इकोनॉमिक क्राइसिस टू अदर कंट्रीज़। तो अगर डिवेल्प कंट्रीज़ कोई हैं उसमें अगर कोई क्राइसिस आते भी हैं तो वो उसका जो बर्डन है वो जो अंडर डिवेल्प कंट्रीज़ हैं उनके ऊपर शिफ्ट कर देते हैं, अपना बर्डन जो है दूसरे को ट्रांसफ़र कर देते हैं। नेक्स्ट है इंटरनेशनल इकोनॉमिक कन्फ्लिक्ट्स। बहुत सारे कन्फ्लिक्ट जो इंटरनेशनल लेवल पे कंट्रीज़ के बीच में होते हैं उसका एक रीज़न इंटरनेशनल ट्रेड भी है। तो अगर क्रिटिक्स की हम बात करें तो उन्हें कहते हैं कि जो वर्ल्ड वॉर्स हुई हैं दो कंट्रीज़ में, तो वो इंटरनेशनल जो ट्रेड था उसमें एक रिलेशन ख़राब होने के कारण ही हुई हैं। नेक्स्ट है पॉलिटिकल इंटरफेरेंस। तो इंटरनेशनल ट्रेड है जो लीड्स टू इंटरनेशनल इंटरफेरेंस ऑफ कंट्रीज़ इन द डोमेस्टिक ट्रेडिंग पॉलिसी ऑफ द होस्ट कंट्रीज़। डिवेल्प नेशंस हैं जो वो यूज़ करती हैं इंटरनेशनल पॉलिटिकल प्रेशर ताकि जो झुकाया जा सके जो अंडर डिवेल्प कंट्रीज़ हैं उनको। तो जो बॉडीज़ हैं लाइक हमारी इंटरनेशनल बॉडीज़ हैं, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF जिसको बोलते हैं, WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है, ये दोनों इंपॉर्टेंट है बेटा, इसको आपने लॉन्ग क्वेश्चन के लिए करना है। आपकी बुक में नहीं दे रखा है इसको डिटेल में, मैं इसकी आपको वीडियो सेंड करूंगी, IMF एंड WTO पे। ये जो कंट्रीज़ हैं ये भी ज़्यादातर पॉलिटिकल पर्पज़ के लिए यूज़ की जाती हैं डेवलप्ड कंट्रीज़ के द्वारा, मतलब इनका भी जोर है जो उन कंट्रीज़ पे, अंडर डेवलप कंट्रीज़ पे पड़वाया जाता है पॉलिटिकल इंटरफेरेंस के लिए। थ्रेट्स टू नेशनल सवर्जनिटी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी जो है इंडिया में आई, हमें पता है 200 सालों तक राज किया, तो क्रिटिक का मानना यही है कि जो इंटरनेशनली स्ट्रॉन्ग कंपनीज़ हैं, कंट्रीज़ हैं, डेवलप कंट्रीज़ हैं, वो हमेशा दूसरी कंट्रीज़ के ऊपर उनको कब्जा करना चाहती हैं, रूल करने की कोशिश करती हैं इंटरनेशनल ट्रेड के जरिए। लास्ट वन इसमें दिया है बैलेंस ऑफ पेमेंट प्रॉब्लम्स। फॉरेन ट्रेड लीड्स टू फाइनेंशियल क्राइसिस आती हैं डेवलपिंग नेशंस में, क्योंकि इंपोर्ट वो ज़्यादा कर रही हैं, एक्सपोर्ट उतना कर नहीं पाते क्योंकि उनके पास ना उतनी प्रोडक्शन अवेलेबिलिटी है, ना उनके पास कैपेसिटी है, ना उस तरह की नई टेक्नोलॉजी है, तो वो ज़्यादा इंपोर्ट पे करते रहते हैं और बैलेंस ऑफ पेमेंट है जो उनका वो डेफिशिट हो जाता है और जिसके लिए उनको बोरो करना पड़ता है फिर IMF और वर्ल्ड बैंक से। तो इस तरीके से जो ओवरऑल कुछ नेगेटिव इफेक्ट भी हैं जो इंटरनेशनल ट्रेड के, वो इकोनॉमिक ग्रोथ के ऊपर पढ़ते हैं। तो ये हमारा ओवरऑल चैप्टर है बेटा कि क्या क्या ट्रेंड इंडिया के फॉरेन ट्रेड में आए हैं और उसके क्या पॉजिटिव और नेगेटिव इकोनॉमिक ग्रोथ के ऊपर इफेक्ट हैं। तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में।